साथ रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जो है ना मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ था और आज बहुत ज़्यादा काम था, तो मैंने कहा भाई को आप जाए, मैं अभी दुल्हन के पास भी नहीं गई जहेज का सामान देने के लिए, क्योंकि भाई को आज पूरा दिन उधर मस्जिद का सामान आना था तो उधर ही गुजर गया है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैंने भाई से कहा है कि आप जाएँ, सारा जितना भी वीज़ा है सारा मस्जिद का वो करें और अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं। अभी भी काफ़ी मस्जिद का सामान कम पड़ रहा है, तो सब बहन भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, आप लोग भी साथ दें ताकि माह रमज़ान से पहले पहले दोनों मस्जिदों का काम कंप्लीट हो जाए। तो अभी तो विला एक पर आ गए हैं, उसकी चुनाई हो रही है, उसकी जब चुनाई हो जाएगी ना तो फिर उसके ऊपर जाएंगे छत डालने के लिए। फ़िलहाल इसका लेंटर लगवाना है और ये मस्जिद अभी हम लोग कम्प्लीट करें। ये मस्जिद बड़ी भी है तो वो थोड़ी सी छोटी है, तो एक मस्जिद जैसे जल्दी जल्दी कम्प्लीट होगी ना फिर दूसरी भी जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह भी साथ दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें इस नेक काम के लिए चुना है, हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और आप लोग भी साथ दें। तो जो भी हिसाब डालेगा ना यूँ समझ लेना कि आप लोग अल्लाह के घर में ही हिसाब दे रहे हैं और ये काम हो रहा है। तो बस यही रिक्वेस्ट करनी थी। और भाई अभी जाएँगे आप लोगों को सारे घर का वो मस्जिद का विज़िट कराएँगे, सारे सामान का जो भी है लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो माशाल्लाह से मस्जिद का काम जारी है, तो बड़ी मस्जिद है, महंगाई के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा ख़र्चा यानी कि आता है। किसी भी चंद लोहा जो है अभी जो उस वक्त वो लंटर डलवाया था तो 250 रुपये किलो उस वक्त था, लेकिन ये छत भी उससे बड़ी है, वो 500 फुट की थी, ये तकरीबन 900 फुट की छत है। तो ये देखें कि 300 रुपये हो गया है किलो पर केजी 60 ग्रेड का। तो इसके अलावा छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, बहुत ज़्यादा, और माशाल्लाह से काम तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मिस्त्री रोका भी नहीं है, दो दिन रोका था क्योंकि मिट्टी के अंदर डालनी थी ट्रैक्टर से, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो मिस्त्री कह रहा था मीनारों का नाम आसिया, हाँ। बड़े मीनार का नाम वो मुल्तान से मिलेंगे बड़े मीनार, हाँ। तो प्यारे व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का काम बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से जारी है, जितना हो सके आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें ताकि हम जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करवाएं। बहुत ज़्यादा काम है मस्जिद का, बहुत ज़्यादा काम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जितना भी हमसे हो सकता है हम करवा रहे हैं, और माशाल्लाह से डेली का काम करेंगे और मदरसा बनवाएंगे और इंशाल्लाह जहाँ तक अल्लाह पाक ने चाहा था वो देंगे। तीन चार बस्ती हैं ऐसे हमारे अंडर, जैसे माह रमजान आ रहा है पानी लगवाएंगे इंशाल्लाह अभी माह रमजान आ रहा है। बहुत से घर वाले यहाँ पर आते हैं कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो हम ऐसे काम नहीं करेंगे कि सबकी वीडियो बना कर ना छोड़ देंगे उनको, नहीं। जो गरीब जिसकी अगर वीडियो बनाएंगे उसका काम करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो चलता हूँ मैं मस्जिद पर तो आपको मुकम्मल विज़िट करवाता हूँ। बस अभी ईंटें भी आ गई हैं और मैंने अब भी खड़े हैं इधर। अस्सलामुअलैकुम प्यारे। तो आज यहाँ पर काम रुका है सुबह सुबह सुबह, कल जुम्मा भी है तो फिर भी काम हम नहीं रोक सकते क्योंकि ईंटें भी आ चुकी हैं, ये लंटर पर जाना है इनको, फिर लंटर लगाएंगे इंशाल्लाह ताला।
नीचे वाला दरमियान वाला लेंडर जो है ना वो कल लगाएंगे, क्योंकि फिर दो दिन के लिए ना खुश होने के लिए उसको छोड़ देंगे। तो अबू जी के मोबाइल का ना भाई जो है ना, अबू जी आपके मोबाइल का ऑपरेशन करें। खोल यार क्या करें, देखें ये सिम मुझे मिल चुकी है। तो अभी इंशाल्लाह तो मैं चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ प्यारी बात। ये देखें ये ईंट आ चुकी है माशाल्लाह से, बहुत ही प्यारी ईंट है। ये देखें ये एक चक्कर मंगवाया है, ये देखें पिलर लगा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पिलर। इस पर ना बहुत सारी चीज़ें रुकनी है ना, वजन ऊपर लेंटर का भी रुकना है, और ये ईंटों की कटाई होकर लगा रहे हैं, डिजाइनिंग वाले ये पिलर लगा रहे हैं, तो इसलिए ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। और ये देखें ये है मीनार की जगह, यहाँ पर देखें ये वो सरिया वगैरह ने उन्होंने फंसा दिया है, और नीचे बेड कम अज़ कम 6 फुट 5-6 फुट तकरीबन नीचे लेकर गए थे बेड। तो कल यहाँ पर मिट्टी डालते रहे, वो भी आपसे शेयर करेंगे। देखें ये सारी मिट्टी भराई की है मस्जिद में, बहुत से लोग इकट्ठे हुए हैं, तो ईंटें यही बची पड़ी थी, तो ईंटों का चक्कर मंगवाना है, क्योंकि ये दरमियान तक वो जो पिलर हैं ये बराबर आएंगे तो फिर एक ही साथ ऊपर लेकर आएंगे ना, तो इसीलिए देखें माशाल्लाह से। ये देखें विंडो बहुत प्यारी लग रही है उसका और उसका देखें, और यहाँ पर एक, यहाँ पर दरमियान में दो पिलर, ये फर्मे होते हैं, फर्मे मंगवाने पड़ेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा काम चल रहा है, अल्लाह पाक में चाहे तो अल्लाह पाक इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करे। तो इंशाल्लाह अभी भी कह रहे थे मिस्त्री के, यहाँ पर देखें कि पहले लगा रहे थे ना ये एक ईंट लगा रहे थे जैसे दीवार पर, लेकिन यहाँ पर ना ईंट बहुत खप रही है, ईंटों के पिलर मोटे पिलर बना रहे हैं ना, ईंटें आती हैं पता भी नहीं चल रहा, उस दिन भी मंगवाई थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। ये देखें नीचे दो ईंटें डाल कर, क्योंकि ऊपर वजन आना है ना लेंटर का, तो ये सारा ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा काम हो गया, और रेत भी आ रही है और पानी भी, और अभी जी सारे दिन इधर होते हैं सारा दिन। प्यारी व्यूअर्स मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को काम अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, क्योंकि माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा काम हो रहा है मस्जिद का, और आप लोग भी देख रहे हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बढ़ चढ़ कर हिस्सा दें, हिस्सा डालें अपना, और क्योंकि मस्जिद का काम चंदे से ही बनता है, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे जितनी भी अल्लाह पाक तौफीक देता है, तो उस मस्जिद का काम अभी रोक दिया है हमने, क्योंकि पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, उसकी ईंटें उसका सर चौखट विंडो ये वो सामान तो आया पड़ा है, लेकिन आपको पता छत का सामान नहीं लिया, नहीं टाइल लिया है। तो आपको पता है कि यहाँ पर दो मज़दूर काम करते हैं, एक मिस्त्री काम करता है, दो मिस्त्री काम करते हैं या तीन मज़दूर काम करते हैं, तो 35-40 हज़ार रुपये उनका एक महीने इनके एक हफ्ते का बन जाता है, मजदूरी बन जाती है। तो इसने हमसे अफोर्ड नहीं हो रहे थे, उस मस्जिद का काम रोक दिया है इन पैसों की वजह से। तो फिलहाल अभी एक ही मस्जिद, हाँ इंशाल्लाह इसकी छत डलवा कर इंशाल्लाह उधर चले जाएंगे फिर 15-20 दिन, क्योंकि जहाँ पर छत रुक जाएगी तो इंशाल्लाह उसकी भी छत डलवाएंगे। तो अम्मी नमाज पढ़ रही हैं, तो अम्मी दें इजाज़त, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हमेशा से मुस्कुराते रहें, खुश रहें, अपनी फैमिली में आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी और सेहत दे, और आपके बच्चों को और आपको हर काम में कामयाबी दे। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।